अध्यक्ष महोदय नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 के पूर्ण स्थापित करने हेतु ये विधेयक जो है लाया गया है महोदय इसमें महत्वपूर्ण बिंदु जो है इस विधेयक का सदन को अवगत कराना चाहेंगे कि ये भारतीय संविधान के भाग 9 क के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के आलोक में बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 अधिनियमित किया गया है जिसकी धारा 500 435 में राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों में अतिक्रमण एवं अवरोध पर नियंत्रण का प्रावधान है वर्तमान समय में नगर निकाय क्षेत्रों में अतिक्रमण के कारण आम नागरिकों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है इस पर प्रभावी नियंत्रण किए जाने की आवश्यकता हो गई है इस हेतु बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 435 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है इसके लिए बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 पुनः स्थापित किया जा रहा है प्रस्तावित विधेयक में नगर निकाय क्षेत्रों के अंतर्गत सार्वजनिक मार्ग पगडंडी ड्रेनेज सवरेज एवं पार्क पर अतिक्रमण एवं अवरोध को हटाने का प्रावधान किया गया है इस विधेयक में नगर निकाय के नगर पालिका पदाधिकारी द्वारा स्थाई जो स्थाई अतिक्रमण है एवं अवरोध को हटाने हेतु पंद्रह दिन पूर्व नोटिस निर्गत करने का प्रावधान है यानी अतिक्रमण जब हटाया जाएगा जो स्थाई है उसको पंद्रह दिन का जो है नोटिस दिया जाएगा और यदि पंद्रह दिनों के अंदर अतिक्रमण द्वारा संतोषपद जवाब नहीं देने तो नगर पालिका पदाधिकारी द्वारा अतिक्रमण को हटाने का आदेश पारित कर सकेंगे तथा अतिक्रमण को हटाएंगे प्रस्तावित विधेयक में स्थायी अतिक्रमणकर्ता से दंड एवं जुर्माना के रूप में बीस हजार रुपये तक जुर्माना दंड लगाने का प्रावधान है तथा अतिक्रमण को हटाने में जो भी वह होगा उसकी भरपाई भी अतिक्रमणकर्ता से किए जाने का प्रावधान है प्रस्तावित विधेयक में अतिक्रमणकर्ता से यदि दंड एवं जुर्माना की वसूली नहीं होती है तो उनके हो, होल्डिंग के बकाया के रूप में सम्मिलित कर वसूली करने का प्रावधान इस विधेयक में स्थायी अतिक्रमण के मामले में नगर पालिका पदाधिकारी द्वारा 24 घंटे की नोटिस देकर अतिक्रमण को हटाने का प्रावधान किया गया है इस विधेयक से नगर निकाय क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पालिकाओं को अधिक अधिकार प्राप्त होगा तथा इससे जिला प्रशासन पर निर्भरता कम होगी इस विधेयक के प्रावधान के फलस्वरूप नगर निकाय क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निकाय में आवश्यक संख्या में पदाधिकारी कर्मी अमीन इत्यादि की नियुक्ति की जाएगी तथा आधारभूत संरचना इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी